दोस्तों यह है गी क्रिट का 4 चैनल वाला वायरलेस रिमोट कंट्रोल स्विच। ऑल्दो इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, 3 दिसंबर 2016 को मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी और यह प्रोडक्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसको फिर से ऑर्डर कर दिया। तो दोस्तों नया ऑर्डर आ चुका है, ये जो पुराना वाला रिमोट है ये अभी भी मेरा वर्क करता है और इसके थ्रू मैं अपनी घर की जो लाइट्स हैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ और ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि इसको मैंने अपनी कीरिंग में डाल दिया। तो दोस्तों डेफिनेटली ये प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है और जो लोग नहीं जानते इस प्रोडक्ट के बारे में उनके लिए दोस्तों मैं एक बार फिर से इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गी क्रिट का 4 चैनल वाला वायरलेस रिमोट कंट्रोल स्विच। अगर आपने अभी तक BCD टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। कोई रिटेल पैकेजिंग नहीं है, बस एक प्लास्टिक का पैकेट है और उसी के अंदर ये प्रोडक्ट आया है और ये फट भी गया है। इस पैकेज में आता है एक स्विच, एक मैनुअल और 2 रिमोट। आइए दोस्तों सबसे पहले मैनुअल को देख लेते हैं। तो मॉडल है इसका GVRK04S12 रिप्रेजेंट वोल्टेज 12 वोल्ट पे चलेगा। इसके क्या फंक्शन फीचर्स हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि मैक्सिमम लोड ये 20 एम्पियर तक का ले सकता है और जो रिमोट है वो 315 मेगाहर्ट्ज़ या 433.92 मेगाहर्ट्ज़ पर चलता है और आप इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या इसके फीचर्स हैं आप सब कुछ इस मैनुअल में जान सकते हो। दोस्तों ये जो स्विच है ये 2 रिमोट के साथ आता है, बिल्कुल आइडेंटिकल रिमोट्स हैं और इस रिमोट के ऊपर आपको क्लिप भी मिल जाएगी जिसके जरिए आप इसको कहीं पर भी टांग सकते हो। आइए दोस्तों आप स्विच को देखते हैं। तो ये है गी क्रिट का 4 चैनल वाला वायरलेस रिमोट कंट्रोल स्विच, देख लीजिए काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट है। लेआउट की बात करें तो दोस्तों बॉक्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, जितनी भी वायरिंग है वो यहाँ से जाएगी। इसको ओपन करते हैं तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर आपको 4 रिलेज मिल जाएंगे 12 वोल्ट के, मैक्सिमम 20 एम्पियर के करंट को ये झेल सकते हैं। इनकी इनपुट आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हो, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई यहाँ पर लगेगी। ये है इसका ट्रांस रिसीवर सेक्शन जिसके ऊपर एक एंटीना है और यहाँ पर है पेयरिंग स्विच और ये है दोस्तों जम्पर जिसके जरिए आप इसको सेल्फ लॉक, जॉग और इंटरलॉक मोड में कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है दोस्तों इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए दोस्तों अब इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 जंपिंग वायर का इस्तेमाल किया है जिसमें मैं अपनी 12 वोल्ट की सप्लाई देके इस बोर्ड को ऑन करूँगा। साथ में दोस्तों मैंने 4 लोड जो कि 220 वोल्ट में चलने वाले LED बल्ब्स हैं उनको इन रिलेज के थ्रू AC मेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले तो बोर्ड को ऑन करते हैं, तो इसके लिए मुझे 12 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। तो 12 वोल्ट की सप्लाई लगते ही ये जो इंडिकेटिंग लाइट है ये जलनी शुरू हो जाएगी। तो आइए एक बार रिमोट से चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं कि चल रहा है। आइए अब AC मेंस को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने AC मेंस को भी कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं अब रिमोट के थ्रू अपने इन 4 लोड्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, इनको ऑन कर सकता हूँ, इनको ऑफ कर सकता हूँ। इस समय ये जो वायरलेस स्विच है ये सेल्फ लॉक मोड में है, मतलब कि अगर मैं बटन को प्रेस करूंगा जो लोड है वो ऑन हो जाएगा, अगर बटन को प्रेस करूंगा दोबारा से तो ऑफ हो जाएगा। ऐसे आप देख लीजिए, बटन को प्रेस करूंगा तो कॉरस्पॉन्डिंग लोड ऑन हो जाएगा और उसी कॉरस्पॉन्डिंग बटन को प्रेस करूंगा तो लोड ऑफ हो जाएगा। तो ये है इसका सेल्फ लॉकिंग मोड। आइए दोस्तों अब इसको डालते हैं इंटरलॉक मोड में। इंटरलॉक मोड में डालने के लिए मुझे इस जम्पर को जो कि अभी J1 और मिडल पर लगा हुआ है इसको मिडल और J2 पर लगाना होगा। चलिए दोस्तों इसको निकाल देते हैं। तो इसको मुझे अब इस डायरेक्शन में लगाना होगा। तो इस समय J2 और मिडल पर ये जम्पर लगा हुआ है और अब ये चला गया है इंटरलॉक मोड पर, मतलब कि एट ए टाइम एक ही लोड ऑन होगा। अगर मैं दूसरे लोड को ऑन करने की कोशिश करूँगा तो पहला लोड ऑफ हो जाएगा। आप देख लीजिए इस समय तीसरा मतलब कि सी लोड ऑन है। अगर मैं बी को प्रेस करके बी को ऑन करने की कोशिश करूंगा तो सी ऑफ हो जाएगा। तो इस समय दोस्तों ये है इंटरलॉक मोड पर। तो इस समय ये है इंटरलॉक मोड पर। एक और मोड है जिसको हम लोग JOG मोड बोलते हैं, उसके लिए मुझे इस जंपर को हटाना होगा। आइए दोस्तों जंपर को हटा देते हैं, मतलब कि जंपर लगेगा ही नहीं। मैंने जंपर दोस्तों हटा दिया है। अब ये आ गया है JOG मोड में। JOG मोड का मतलब कि अगर आप बटन को प्रेस करोगे और जब तक प्रेस करके रखोगे तब तक लोड ऑन रहेगा और जैसे छोड़ोगे लोड ऑफ हो जाएगा, देख लीजिए।
तो ये है JOG मोड। और इस मोड में आप अगर दो बटन्स को एक साथ प्रेस करके रखोगे तो दो लोड ऑन होंगे, तीसरे बटन को प्रेस करोगे तीसरा लोड ऑन हो जाएगा, चौथे को प्रेस करोगे तो चौथा ऑन हो जाएगा, और जिसे छोड़ोगे सब ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जब तक बटन प्रेस है तभी तक आपका लोड ऑन है, और जैसे आप रिलीज़ करोगे तो लोड ऑफ हो जाएगा। तो ये है इसका JOG मोड। मैंने ये जो रिमोट जो कि इसके साथ आया था उसको कॉन्फ़िगर कर लिया है अपने घर के लिए भी, मतलब कि अब ये रिमोट मेरे इस वायरलेस स्विच और जो मेरे घर में लगा हुआ वायरलेस स्विच है इन दोनों को ऑन ऑफ करने के काम आएगा। आपको दिखा देता हूँ, इस समय मैं ए को प्रेस कर रहा हूँ तो ए प्रेस करते ही मेरी ये वाली जो इस साइड वाली जो लाइट है घर की वो ऑन हो जा रही है, और साथ में दोस्तों ये वाला जो बल्ब है ये भी ऑन हो रहा है, मतलब कि एक रिमोट दो वायरलेस स्विच को कंट्रोल कर रहा है। तो ये मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, अगर आपको भी कॉन्फ़िगर करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको इस बटन को प्रेस होल्ड करके रखना होगा और फिर छोड़ देना होगा, लाइट ऑफ हो चुकी है। उसके बाद रिमोट कंट्रोल के बटन को प्रेस करके इस लाइट को ब्लिंक कंडीशन से ऑन कंडीशन पर लाना होगा। अब दोस्तों ये जो रिमोट है इस वायरलेस स्विच के साथ कॉन्फ़िगर हो गया, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो इस तरीके से आप रिमोट को पेयर कर सकते हो इस वायरलेस स्विच के साथ, और यहाँ पर अगर आपके पास दो वायरलेस स्विच हैं और एक रिमोट है तो आप एक रिमोट को दोनों वायरलेस स्विच को कॉन्फ़िगर करने के काम ला सकते हो। ऑल्दो इसका फ़ायदा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बट आप करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये है Geekrate का 4 चैनल वाला वायरलेस रिमोट कंट्रोल स्विच, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी बढ़िया स्विच है। इसके जरिए आप अपने घर के अप्लाइंसिस को, बल्ब को, फैन को, सबको कंट्रोल कर सकते हो, और वो भी वायरलेसली इस रिमोट के थ्रू। बस दोस्तों इसके साथ एक ही दिक्कत है कि आपको 12 वोल्ट की एक्सटर्नल पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना होता है, और उसको ऑलवेज ऑन, मतलब कि उसको हमेशा ऑन रखना पड़ता है। बाकी देखा जाए तो इस प्रोडक्ट में कोई खामी नहीं है, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के थ्रू आप 2 से 2500 वाट तक का कोई भी अप्लाइंस कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1000-1500 वाट से ऊपर ना जाएं। आप भी अगर मेरी तरह आलसी हो, चाहते हो कि सारे अप्लाइंसेस, सारे गैजेट्स आपके लेटे ही ऑन हो जाएं, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया डिवाइस है। बाकी अगर आप किसी वायरलेस स्विच की बात कर रहे हैं जो कि वाईफाई नेटवर्क पर चलता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो ऐसे केस में दोस्तों मेरे पास भी है, बट मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वायरलेस वाईफाई स्विच के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन को उठाना होता है, उसको अनलॉक करना होता है, उसके बाद एप्लीकेशन को ऑन करना होता है, और उसके बाद बटन को ऑन ऑफ करके आप अपने अप्लाइंसेस को ऑन ऑफ कर सकते हो। इस केस में क्या है, बस रिमोट है, रिमोट को ढूंढना है, अगर आपने संभाल कर रखा है बस ऑन करना है और आपकी डिवाइस ऑन या ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको रेकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट, अगर खरीदना चाहते हो तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं रेकमेंड करूँगा कि एक बार आप इस प्रोडक्ट को जरूर देखें। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।